पहले उसने प्रेम किया, मतलब प्रेम पहले उसने किया तो क्या लड़की को क्या बना के उसने प्रेम किया? ब्लैकमेल में पैसे मांगती थी और कहती थी तुम्हारे घर में जो भी ये सब मुझको दे दो और कहीं किसी को कुछ बताया तो हमें जान से मार देंगे, ये सब बताती थी। और इन लोगों ने शादी की है तो किस वकील ने की है? वो गुनहगार है। जिस समाज से शादी हुई है वो समाज गुनहगार है। मैं मोहम्मद रान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्हौर तहसील के अरोल थाना क्षेत्र इलियासपुर में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, इन दिनों सोशल मीडिया पर आप सभी देख ही रहे होंगे कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला जो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसा ही मामला तुरंत निकल कर सामने आया जो कि जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील अरोल थाना क्षेत्र के लियासपुर गाँव से है, जहाँ पर एक युवक को किन्नर से हुआ प्यार, युवक को किन्नर से प्यार करना पड़ा भारी। आइए पूरा मामला। मेरा नाम करण है। कहाँ रहने वाले आप? इलियासपुर के निवासी। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरे साथ धोखाधड़ी हुई साहब। मुझे मेरे साथ एक मेरे दूर के रिश्तेदार है जो कि महिला किन्नर थी जी, उसने मेरे साथ धोखाधड़ी करके प्यार मोहब्बत में मुझे फांस के अश्लील वीडियो फोटो बना लिए मेरे से, मुझे ब्लैकमेल करने लगी जी। ब्लैकमेल में क्या क्या डिमांड करती हैं? ब्लैकमेल में पैसे मांगती थी और जो कहती थी तुम्हारे घर में जो भी जेवर ये सब मुझको दे दो और कहीं किसी को कुछ बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे, ये सब बताती थी। इसके बावजूद जब उसने मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं 2-3 लाख रुपए करीब उसको दे भी चुका हूँ। उसके बाद भी मुझसे डिमांड करती है 5 लाख रुपए दोनों तोला सोना और जो ये जो बोलो। मुझे डराती धमकाती है अगर तुमने कहीं किसी को कुछ बताया तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार जिसमें आपके परिजनों पर गलत सलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका क्या मामला रहा? क्या मामला? तुमने ऐसे मुझे डरा धमका रही ब्लैकमेल कर रही है। मैं गलत नहीं हुई, इतने गलती की है, इसने मुझसे डरा धमका के कोर्ट मैरिज कर ली जो नोटरी माती कोर्ट से। उसके अपने साथ लिए गए फतेहगढ़, वहाँ मुझसे मांग करती थी कि इतने पैसे मंगा अपने घर वालों से। ये मैंने मना किया तो मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे किन्नर बनाने की कोशिश की, मेरी झूठी अफवाह फैला दी गई, मुझे पता भी नहीं था। उसी रात ये मुझे मारने का प्रयास कर रही थी नौ जून को, उन्हें झूठी अखबार फोन पे खबर फैला दी मेरे परिजनों को कि तुम्हारा लड़का करण मर गया है, उसकी मिट्टी भी हो गई है सब। किसी तरह मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा, उसके बावजूद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मुझे ब्लैकमेल करती है फ़ोन करके, वीडियो तरह तरह के बना के डालती है। जबकि मुझसे पहले वो उसके तमाम लड़कों के साथ अश्लील वीडियो आए, इसकी मुझे जानकारी हुई तब मैंने उससे कहा, तब भी मुझे जान से मारने की धमकी दी। उसे मेरे पास प्रूफ है, वीडियो जो तमाम लड़कों के साथ उसके वीडियो हैं, उसके साथ उसके वीडियो हैं और उसके तमाम लड़कों के साथ अश्लील वीडियो उसके जिसका प्रूफ मेरे पास है। तो सबको ऐसे ही फंसाती है, अपने प्यार में फंसाती है, फिर ब्लैकमेल करती है। कुछ दिन पहले उसने मेरी बहन के बारे में गलत सलत वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला है। इस तरह के अगर कहती रहे तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊँ, मैं कुछ भी कर लूँगा, गलत कदम उठा सकता हूँ। धोखाधड़ी का मैंने मुकदमा भी डाला कोर्ट में, जो कोर्ट माफी कोर्ट में बिचारा दिन है। अभी मुझसे फ़ोन करके कहती है, मैं परिजनों से फ़ोन कर कहती है मुकदमा वापस लो नहीं तो जान से मार देंगे लड़के को। मेरे पीछे 8-10 लड़के बेचने रखे हैं, इस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है। मुझसे जान से मारने की धमकी देती है, मुकदमा फिर नहीं लोगे तो मैं जान से तुम्हें मार दूंगी। 5 लाख रुपये जेवर की डिमांड करती है, जबकि इससे पहले मैं इसको 2-3 लाख रुपये दे चुका हूँ। दिन पहले इसने मेरी बहन का एक अशब्द भाषा करके वीडियो डाला है कि वो किसी के साथ चली गई थी, गिरा गई है, ऐसे मेरी बदनामी कर रही है, घर की मेरी बदनामी कर रही है। अगर इसी तरीके से वीडियो डालती रही तो मैं कुछ भी कर लूँगा, अपने आत्महत्या कर लूँगा। मामला सामने आया जनपद कानपुर के अरोल थाना क्षेत्र के इलियासपुर ग्राम पंचायत, जहाँ पर एक किन्नर ने एक युवक से पहले प्रेम किया, फिर उसको अपने प्यार में फंसाया। क्या कहेंगे, किन्नर समाज शादी कर सकता है? उसने प्रेम किया तो प्रेम उसने किया तो क्या बेटा बना के किया कि भाई बना के किया कि पति बना के किया? प्रेम करने के बाद में उन्होंने कोर्ट मैरिज शादी भी की। अच्छा, क्या कोर्ट से शादी हो सकती है किन्नर की? देखो, तो पहली बात तो ये हमारी सुनो, हम लोग मंगलामुखी हैं, हमारा काम है ना तो हम नर हैं ना हम नारी हैं। घर में खुशी आती है, हम लोग अपनी ढोलक लेके जाते हैं, मंगल गीत गाते हैं, अपना नेंग लेते हैं।
ये लिखा है कि किन्नर शादी कर सकता है। अगर कोर्ट में उन लोगों ने शादी की है तो जिस वकील ने की है वो गुनहगार है, जिस समाज से शादी हुई है वो समाज गुनहगार है। हाँ, जो कि हमारी किन्नर समाज से विनती है कि ऐसे किन्नर को हमारे किन्नर समाज में रहने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे जाए कहीं पर भी किन्नर समाज की अभी ऐसी कोई घटनाएं नहीं सामने आई कि लूट लप और लूट की हो या चोरी की हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक युवक को प्रेम में लड़की बनकर बताया, फिर उसे कोर्ट मैरिज शादी की है, तो कहीं ना कहीं किन्नर समाज पर एक गलत संदेश जाता है पूरे देश में कि किन्नर समाज लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। यदि उस किन्नर ने लड़की बन के शादी की है तो ये धोखा है, 420 है, इसमें उसको सजा मिलनी चाहिए। जो किन्नर है उनका नाम है शायद सौम्या नाम कहा जाती है, उन्होंने लड़के का वीडियो भी जो प्राइवेट वीडियो होता है प्यार करने का किया, धमकी देती हैं और कहती हैं अगर हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, उसके परिवार पर मुकदमा लिखवा देंगे, यहाँ तक कि उसके ऊपर 11 लाख रुपए का 9 तोला सोना और 5 लाख रुपए का जेवर का भी उसने आरोप लगाया, सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ तक 11 लाख रुपया 9 तोला सोना, आज हमको 11 साल त्रिपुरा के मालिक बने हुए हो गए हैं, मैंने 11 लाख नहीं देखे, 9 तोला सोना नहीं देखा है। और जिसका तुम नाम बता रहे हो फतेहगढ़ वाली खुशबू का चेला है, 20-25 गांव उसको मांगने के लिए दिए हैं, इससे ये पूछो कि इसकी स्थिति क्या है, क्या इसके गुरु ने यही सिखाया है, क्या इसके माँ बाप ने यही सिखाया है। और ठीक है, हम मानते हैं कि उसने शादी की है, क्या उस लड़के को ये बाप बना सकती है अपनी कोख से, क्या उसका ये वंश आगे चला सकती है, उसका नाम ये रोशन कर सकती है? यदि रोशन कर सकती है तो मैं उसका समर्थन दूंगी। क्या होता है, आप लोग किन्नर समाज से उस किन्नर का सहयोग करेंगे या बिल्कुल उसका विरोध करेंगे आप लोग? हमें और हमारे किन्नर समाज से हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के हमारे किन्नर समाज से विनती है कि ऐसे किन्नर को हमारे किन्नर समाज में रहने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे हमारे किन्नर समाज में बदबू दाग लगे, बदनामी हो, हमारी भीख बंद हो, हमें लोग परेशान करें के रखते हैं, किन्नर आदमी रखते हैं। हमें अपनी किन्नर समाज से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे किन्नर को हमारे समाज से बाहर किया जाए। नजार से देखते हैं तो कहीं ना कहीं से संदेश लोगों में बहुत ही अलग जा रहा है। इसने जो वीडियो वायरल किया है हमारे क्षेत्र में 2-4 लोगों के पास आया है, उसका अमित नाम था, नकली किन्नर है, नहीं तो उसकी डाक्टरी करवाई जाए। जैसा कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो उसका एक युवक के साथ लिप किस करते हुए वायरल हो रहा है, आपने शायद देखा होगा। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है। तो एक के बाद एक आशिक बनता चला जा रहा है, इसी तरह ये कभी पाकिस्तान से एक महिला आई हुई उसके भी 4 आशिक बनते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भी समाज पर धाक लग रहा है। हमें तो ये लगता है कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है उनके तो अभी तक 5 आशिक निकले हैं और शायद सौम्या के आशिक घूमे गए तो 50 निकले। जो बात आप बोल रही हैं क्या ये बात सच है? बिल्कुल 100% सच है। और लेकिन उन्होंने तो मुकदमा दहेज पर था और तमाम धाराओं पर डाल दिया, जो कि इधर से जानकारी मिल रही है। दहेज प्रथा किस बात की, किस बात की दहेज प्रथा? जब हमारे किन्नर समाज में शादी अलाउ नहीं है, हम लोग मंगलामुखी हैं, हैं, हम लोग आज नारेश्वर हैं, भगवान राम श्री राम भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, तो हमारी किस्मत में तो शादी लिखी नहीं है, खुद मांगना खाना लिखा है। मैं इसको घिनौनी नजर से देखती हूँ, ये सिर्फ ब्लैकमेल करना है। लास्ट संदेश क्या देंगे किन्नर समाज को लेकर और आम जनमानस को लेकर? मैं एक संदेश ये दूंगी अपने किन्नर समाज के लिए हाथ जोड़ के कि इसको किन्नर समाज से बाहर किया जाए। दूसरा संदेश मेरा ये है, ये वीडियो हमारा योगी और मोदी तक पहुंचे, इस सौम्या की जांच कराई जाए और इसके ऊपर यथाउचित कार्रवाई की जाए कि ये किन्नर समाज में आने के पहले क्या था और किन्नर समाज में आने के बाद में क्या है।